आपको बता दें शाहरुख खान को बार बार रोका जाता है अमेरिका में इस मुद्दे पर. राजीव शुक्ल ने एबीपी न्यूज से बात की है. शाहरुख खान को दोबारा हिरासत में लिया गया है अमेरिका में. आपने सीरीज पर ट्वीट कर कर बोला है कि नहीं रिकॉर्ड ठीक करने चाहिए. देखिए बार बार ये होना कि एयरपोर्ट पे हर बार एक बार किसी व्यक्ति की तलाशी, उसकी जो आइडेंटिटी उसकी पहचान हो जाए, उसके बारे में रिकॉर्ड आप निकालने और सब कुछ ठीक हो, इसके बाद बावजूद बार बार जो है इस तरह का ये होना, और सिर्फ इस वजह से कि कोई संदिग्ध व्यक्ति था जिसका नाम भी शाहरुख खान उसने रखा हुआ था, वो पकड़ा भी गया, इसके बाद वो रिकॉर्ड में वही पड़ा हुआ है, उसकी वजह से जो है बेवजह मतलब रूटीन पूछताछ करना, एक दो चीज़ें बस खाली पूछना और फिर छोड़ देना, दो तीन घंटे वहाँ पर रखना, ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है. अच्छा है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने माफ़ी भी मांगी है अमेरिका के, तो ये ठीक है. मतलब ये विदेश मंत्रालय तो उनको मेरे ख्याल नहीं, विदेश मंत्रालय तो इसमें भी पूरी कोशिश कर रहा है, करता है, कल उनको भी सूचित किया गया था, तो इन सबके बावजूद वो करते हैं, वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी सुनती नहीं है, तो वो उन्होंने माफ़ी मांगी स्टेट डिपार्टमेंट से. ठीक है, उनको अपना जो रिकॉर्ड है, जो डेटा है, उसको करेक्ट करना चाहिए, मेरा ही कहना है. तो ये हैं राजीव शुक्ला, जिन्होंने साफ कहा है कि रिकॉर्ड ठीक कर लेना चाहिए यूएस को शाहरुख खान के मामले में. सरोज सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली. मुख्तार अब्बास नकवी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर, आइए वो भी आपको बताते हैं. उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी शाहरुख खान को रोके जाने पर. बार बार अमेरिका में शाहरुख खान ने खेद जताया था, उनको रोके जाने पर अफसोस जताया था. कोई धर्म के नाम पर, किसी मजहब के नाम पर ऐसा व्यवहार हो तो ये तो कोई भी सही नहीं कहेगा. मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कोई भी सही नहीं कहेगा अगर इस तरह से बार बार रोका जाएगा, इमिग्रेशन में रोक कर हिरासत में लिया जाएगा. शाहरुख खान को हिरासत में लिया गया था लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर. इसी मुद्दे पर एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह ने संजय राउत से बात की, क्या उन्होंने कहा इस मुद्दे पर, वो भी सुनिए. शाहरुख खान को अमेरिका में एक बार फिर से हिरासत में लिया गया. हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शिवसेना की तरफ से संजय राउत जी. आपसे ये जानना चाहती हूँ, तीसरी बार उनके साथ ऐसा हो रहा है कि चेकिंग के दौरान हिरासत में लिया गया. इमिग्रेशन में पहले न्यूयॉर्क में हुआ, न्यूजर्सी में हुआ, अब लॉस एंजलिस में हुआ है, मैंने पढ़ा है. देखिए शाहरुख खान हिंदुस्तान का एक नागरिक है, यहाँ की पॉपुलर फिगर है, और सिर्फ उसका नाम खान है, इसके लिए आप इमिग्रेशन में उसको अरेस्ट करेंगे और एक गुनहगार जैसा बर्ताव करेंगे. हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को कड़े शब्दों में बताना चाहिए कि एक व्यक्ति के साथ ये बार बार क्यों हो रहा है. ये हमारे जो सब एक्टर लोग हैं उनको भी हम बताना चाहते हैं कि जहां आपका अपमान होता है उस देश में आप बार बार क्यों जा रहे हो. आप हिंदुस्तान को कहते हैं कि यह इंटॉलरेंस है, तो जहां सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंस है अमेरिका में, वहां जाके आप क्या दिखाना चाहते हो. रिकॉर्ड ठीक करने की आपको जरूरत नहीं लगती, क्योंकि तीसरी बार उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है, क्या सिर्फ नाम की वजह से. अगर रिकॉर्ड ठीक नहीं करते हैं तो मेरा मानना है ये हमारे जो शाहरुख खान हो या कोई भी कलाकार हो, स्वाभिमान नाम की कोई चीज़ होती है, नहीं जाना चाहिए, बताना चाहिए मैं वापस इस देश में नहीं आऊँगा, न पैर रखूँगा. तो ये थे शिवसेना की तरफ से संजय राउत जी, जिन्होंने कहा कि स्वाभिमान शाहरुख को भी दिखाना चाहिए और तीसरी बार ऐसा हुआ तो ना जाएं, अमेरिका ऐसी सलाह भी दी है. सरोज सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली.